भाजपा ने किया कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस सरकार की कुनीतियों, बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, बिगड़ती कानून व्यवस्था, किसानों, बेरोजगारों से की गई वादा खिलाफी को लेकर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। सौंपे ज्ञापन में बताया कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा चुनाव पूर्व घोषणा पत्र में युवाओं को रोजगार देना, बेरोजगार युवाओं को 3,500 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की थी। 3 साल गुजर जाने के बावजूद सरकार द्वारा आज तक किसी को भी बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया। साथ ही राजस्थान सरकार द्वारा किसानों के कर्ज माफी का भी वादा किया गया, परंतु आज तक किसी भी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ। सरकार द्वारा कृषि कनेक्शनों के बिल माफ करने का वादा भी किया गया, परंतु उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोरोना काल में सरकार ने घोषणा की थी कि प्रदेश के सभी बिजली उपभोक्ताओं के बिल माफ किए जाएंगे, लेकिन आज तक किसी भी उपभोक्ता का बिजली बिल माफ नहीं किया गया, बल्कि सरकार द्वारा बिजली बिलों में अंधाधुंध बढ़ोतरियां की गई। राज्य में कांग्रेस सरकार में महिलाओं एवं नाबालिग लड़कियों के साथ अपहरण बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार अपनी आंखें मूंद कर बैठी हुई है। साथ ही कानून के रक्षक पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं है। पुलिसकर्मियों की सरेआम हत्याएं हो रही है। शहर में कच्ची बस्तियां और प्राइवेट कॉलोनियों को चंबल का मीठे का पानी आज तक नसीब नहीं हुआ। वहां के कॉलोनी वासी आज भी पानी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। साथ ही शहर में सिवरेज पाइपलाइनों के खड़े आज भी खुले हुए हैं और पेचवर्क सही नहीं किया गया, जिनसे दुर्घटनाएं आम हो गई है। जनहित विरोधी राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ कार्रवाई कर बर्खास्त किया जाए। सरकार चारों क्षेत्र में असफल है, चाहे वो वैक्सीनेशन में हो, चाहे वो दलित अत्याचार में हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता देने में हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की जनता की समस्या हो जिनके समाधान के लिए लगभग विकास के सारे कार्य ठप हैं। विकास के कार्य इसलिए ठप हैं कि वो कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। इन सब मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने राज्य स्तरीय निर्णय लिया कि जिला केंद्र पर हम प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन इसी के तहत आज आए हैं। सरकार कई कमज़ोर लोगों के, रायपुर ऐसा क्षेत्र है जहां अकेले रायपुर में 4 केस हो गए, कोई न्याय नहीं मिल रहा है और कोई केस दर्ज नहीं हो रही, और बार बार आग्रह कर रहे हैं हम कि भाई इनके निस्तारण के लिए प्रयत्न किया जाए। प्रशासन सक्रिय, माननीय जिला कलेक्टर जी को ज्ञापन में हमने ये सारी बातें उनको ये कही गई। हमारा विश्वास है कि ये प्रशासन ज्ञापन पर ध्यान देगी, और नहीं देंगे तो हम आगे बड़ा आंदोलन करेंगे जिसके माध्यम से जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी जिला संगठन की ओर से शहर के 6 मंडल और मोर्चों की ओर से जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि राजस्थान की प्रदेश कांग्रेस सरकार द्वारा जिस तरह के जन विरोधी फैसले लिए गए हैं और बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था सहित कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन सब मुद्दों को लेकर आज राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया है। हमारी मांग है कि प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे, बेरोजगारों को रोजगार मिले, किसानों के कर्जे माफ हो, बिजली की दरें कम हो, और ये सारे जनहित के मुद्दों पर कांग्रेस की राज्य सरकार जल्दी से जल्दी फैसला ले, इन्हीं बातों को लेकर ज्ञापन दिया गया है। इनको मोदी के अलावा अच्छा कुछ दिखता दान में लगे हुए हैं और वो एक दूसरे को पटकनी देने के प्रयास में लगे हुए हैं। इस राजस्थान की जनता ने दी है और सत्ता क्यों दी, किस लिए दी, ये अपनी जिम्मेदारियां टोटल भूल चुके हैं। पॉपुलर न्यूज ऐप से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन को दबाना न भूले, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।